यह एक प्रक्रिया है, यह कोई कथा नहीं है कि कथा सुने जा रहे हैं आदि पूर्वजों से, दादी ने सुना था, परदादी ने सुना था, मम्मी ने सुना था, अब हम सुनेंगे, फिर हमारे बेटे सुनेंगे, पर करेंगे वही जो हमें करना है। यद्यपि मैं इस बात को मानता हूं कि कथा सुनना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सद्वृत्ति के बिना क्या बलदेव की जनसंख्या इतनी ही है? क्या बलदेव में इतने ही लोग रहते हैं? इसलिए निराश मत होइए, एक सीढ़ी तो हम सब चढ़ी गए हैं, हजारों लाखों लोगों में से आपने कम से कम ये तो निश्चय किया है, और बलदाऊ दाऊ दयाल की इतनी कृपा तो हुई है कि हजारों लाखों लोगों के बीच से हम पांडाल में बैठकर कथा कम से कम सुन रहे हैं, तो पहली कृपा तो हो गई, पहली सीढ़ी तो चढ़ी गए हैं महाराज। अब आगे भी चढ़ेंगे, जब एक सीढ़ी चढ़ गए तो आगे भी चढ़ेंगे, मार्ग सही है तो लक्ष्य भी प्राप्त होगा, अगर सही मार्ग पर निकल पड़े हैं तो लक्ष्य भी मिल जाएगा। मेरी माताओं, मैं आपको देखकर इतना आह्लादित होता हूं, और अंतर मन से तो मैं एक छोटे से बालक की तरह आपको साक्षात, आप सब गोपी भाव, राधा रानी की सखी का भाव ही मेरा रहता है, यशोदा भी आप हैं तो आपका आशीर्वाद भी मुझे मिलते रहता है, पर हर पुत्र ये चाहता है कि अगर मैया उसको प्रेम करती, उसको आशीर्वाद देती है, तो बेटा भी अपना हृदय निकाल के अपनी माँ को समर्पित कर दे। इसीलिए ईमानदारी से जिससे आपके घर में आनंद हो जाए, वही इन 7 दिनों में मैं कहने वाला हूँ। हमारी हर मैया के घर में आनंद हो, कृष्ण का आगमन हो, बलदाऊ का आगमन हो, उनका घर परिवार आनंदित हो जाए। ईमानदारी पूर्वक जो जो चीज़ें प्रस्तुत कर सकता हूँ अपने हृदय से, वो करने का प्रयत्न करूँगा। धैर्य आपको रखना है, आनंद आपको रखना। अब धैर्य क्या, कोई रेलवे के लाइन पे खड़े हो, ट्रेन आके कोई काटने वाली है तुमको। कई लोग कहते हैं वाह वाह आपने बड़ी धैर्य से कथा सुना, ऐसा लग रहा है फांसी पे लटकाए हुए थे और आप उसके बाद भी भगत सिंह बने हुए थे देश के लिए कि हम भगत सिंह हैं। हम महाराज आराम से पंखा चल रहा है, भगवान बलदाऊ के प्रांगण में बैठ करके कोई आ करके भगवत कथा श्रवण करा रहा है, उसमें भी एहसान जताओगे क्या? हमारा देखे धैर्य, हम लोग कथा सुन रहे थे। इसमें कौन सा एहसान है? कहो भगवान की ऐसी कृपा हुई है कि लाखों लोगों में देखो प्रांगण में आ गए हो, तो छोटे मोटे चीज के लिए मत आओ। और आप सब जो देख रहे हो देश विदेश में जहां भी, आपको भी यही कह रहा हूं, बैठे बैठे टीवी चला के जो देख रहे हो, आप भी छोटी मोटी बातों में मत मानो। इतने विराट परमेश्वर के आंगन में हो, इतने विराट परमेश्वर की कथा मंडप में बैठे हुए हो, तो छोटी चीजों से काम न बने। देखो उपासना कोई कर रहा हो, व्रत कोई कर रहा हो, इससे ये निश्चित नहीं होता कि वो धार्मिक ही होगा। इस संसार में रावण से बड़ा कोई उपासक नहीं था। वेद वेदांत सिद्धांत यज्ञ हवन रोज ही चलते रहता था लंका में। उपासक तो ऐसा था कि हनुमान जी जब खोजने के लिए गए तो उनको भी एक पल के लिए संदेह हो गया कि यार राम जी को कुछ पहचानने में गड़बड़ हो गई क्या, ये तो बड़ा बढ़िया आदमी है, चारों तरफ यज्ञ चल रहे हैं, आदमी जहां तहां देखा तगनित जोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, वहां यज्ञ चल रहा है, यहाँ दान हो रहा है, यहाँ पर हमने अभी देखा भोलेनाथ का रुद्राभिषेक चल रहा है, अरे ब्रह्मा जी आए हुए हैं यहाँ पर आकर के, वेद का पाठ चल रहा है, जरूर राम जी को कोई कन्फ्यूज कर दिया है, रावण ऐसा नहीं हो सकता। हनुमान जी कन्फ्यूज हो गए, उपासना पद्धति देख के तो हनुमान जी भी कंफ्यूज हो गए कि रावण ऐसा हो सकता है, लंका वाले ऐसे हो सकते हैं, लगता नहीं है। उपासक तो थे पर धार्मिक नहीं थे। उपासना करने वाला धार्मिक हो यह जरूरी नहीं है, ध्यान दो, पर अगर धार्मिक हो तो तुम्हारे जीवन में उपासना अवश्य होगी। रावण भी उपासना कर रहा है पर बड़ी छोटी चीजों के लिए कर रहा है, अहंकार की तुष्टि के लिए। दुनिया में जितनी भी जिसकी जिसकी सुंदर पत्नी है उसको चाहिए,
राम रावण का इतना ही अंतर है ना। राम जी ये कह रहे हैं जो कुछ मेरा है वह सुंदर है, रावण कह रहा है दुनिया में जो जो सुंदर है वो सब मेरा है। जहां प्रचार देखे टीवी पर, ये नई टीवी आई है, ये नई ब्रांड का कपड़ा आया है, हमको चाहिए जिंदा रावण। बिलबोर्ड्स पे बड़े बड़े लगे हुए हैं ये टेस्टी थंडर, कुछ पीने का कुछ पिलाने का देख के मुझे भी ये चाहिए जिंदा रावण। हर प्रचार को देखकर हर चीज को अपना बनाने की चाहत, ये रावण की चाहत है। और अपने घर परिवार गांव में रहते हुए दो वक्त की रोटियां खाते हुए हनुमान चालीसा श्रीमद् भागवत बलदाऊ जी की जय जयकार भागवत का पाठ करते हुए आए साधु तो उनको भी टिक्कर और उनको भी छाछ देते हुए जीवन को आनंद से अगर जी रहे हैं तो झोपड़ी में भी राम का वास है, और नहीं तो महलों में बैठे हुए भी रावण तुम्हें झांक रहे होंगे। बड़े बड़े महलों में भी रावण बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी गद्दियों पे भी रावण बैठे हुए हैं। और रावण ही क्यों, अभी तो जब कृष्ण कथा आएगी तो जरासंध की, जरासंध के दामाद हैं कौन, कंस महाराज। जरासंध की बेटियों से ही तो विवाह किया है अस्थि और प्राप्ति से। देन व्हाट डू यू मीन बाय अस्थि एंड प्राप्ति, अस्थि मीन्स है और प्राप्ति मतलब भी और पाना है, इतना माल है इतना माल और जमा करना है, यही वृत्ति कंस की थी, यही वृत्ति हमारी आपकी है, तो हम में और कंस में अंतर क्या है, नहीं कोई हो तो बताइए, हम भी सुनना चाहते हैं, कहेंगे तो हम माइक भी देंगे आपको। कंस की भी दो पत्नियां हैं, दो विचार हैं, अस्थि और प्राप्ति, इतना है और अभी और पाना है, इतना भौतिक वस्तुएं। और हमारे भी यही दो विचार हैं, आपकी कृपा से 1 BHK हो गया है, अब इसका बड़ा नौकरी में हो गया है, 50,000 तो इसकी ऐसे तनख्वाह है, ऊपर का 1.5-2 लाख आ जाता है। ये ऊपर का क्या होता है, ये ऊपर का क्या होता है, जिस घर में बैठकर अपने ही बेटों से हम बात करते हैं कि बेटा समय कम है, बढ़िया से देख करके सब कोई जब कर रहा है तो तू नहीं करेगा तो क्या होगा, वारे पापा वारे पिता, पिता ही धर्म है, पिता ही स्वर्ग है, पिता ही तप है, और वो पिता अपने पुत्र को और वो मां अपने पुत्र को ऐसा ज्ञान दे इस भारतवर्ष में, ऊपर की ऊपर से।